हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कलर रेंज पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कलर रेंज कैसे वर्क करता है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी एक इमेज ले लेते हैं जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। तो ये भी हमारी इमेज। अब हम क्या करेंगे, सबसे कलर रेंज में जाने के लिए हमें सेलेक्ट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे जाना है कलर रेंज में। तो जैसा कि इसका नाम है, आप समझ गए होंगे कि ये कलर्स को पिक करके उसका सिलेक्शन लेता है, ये कलर्स के ऊपर ही वर्क करता है जैसा भी आप करना चाहें। तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि कैसे कैसे टूल्स हैं, ये किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आता है सिलेक्ट। तो इस समय है ये सैंपल कलर पे, जो भी आपकी इमेज होगी और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे उसको सैंपल मान के उसका सिलेक्शन ले लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये इसका सैंपल ले लेगा, उसको उसका सिलेक्शन बना देगा। ओके, तो ये जितना भी वाइट एरिया ये होता जा रहा है, ये इसका सिलेक्शन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने आता है यहीं पे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, आपको ये प्रीसेट्स मिल जाते हैं रेड का, रेड कलर्स का, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मर्जेंटा। अगर आपकी इमेज में इनमें से कोई भी कलर है तो सिंपल आपको सिर्फ इस कलर को सिलेक्ट करना है, ये उसका सिलेक्शन ले लेगा। इस इमेज में रेड कलर नहीं है तो आप देखेंगे कि इसका सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। अगर रेड कलर होता है तो ये उसका सिलेक्शन ले लेता। तो नेक्स्ट आपके सामने आते हैं हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको कैसे यूज करते हैं। ये सेम प्रोसीजर है, आप हाईलाइट्स को टारगेट कर सकते हैं अपनी इमेज के, मिड टोन्स को और शेडोज को। अब नेक्स्ट आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है स्किन टोन्स का। तो पूरे फोटोशॉप में यहीं पे आपको ये ऑप्शन मिलता है स्किन टोन का, ये सिर्फ स्किन टोन को सैंपल मान के उसका सिलेक्शन ले लेता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपको अपने फेस का, अपने हैंड का स्किन कलर से रिलेटेड जिसका भी सिलेक्शन लेना है, ये एक बार में ले लेगा। तो नेक्स्ट आपके सामने आता है आउट ऑफ कैमर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन को बंद कर देता है, ये किसी भी कलर को पिक नहीं करेगा। इस समय आप कहीं पे भी क्लिक करोगे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्लिक कर देते हैं सैंपल कलर पे। तो फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है लोकलाइज कलर क्लस्टर का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे, आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाता है डिटेक्ट फेस का, और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है रेंज का। तो ये दोनों क्या करते हैं, और यहाँ पे फजीनेस ही आपकी हमेशा ओपन रहेगी। तो फजीनेस क्या करती है, आपने जिस भी कलर के ऊपर सिलेक्शन लिया, मतलब जिस भी कलर को सैंपल बनाया है और उसका आप एरिया बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो फजीनेस से आप उसको कर सकते हैं। और रेंज आपको मिल जाती है, आपने जो कलर पिक किया उसके रेंज को आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे चेंजेस होते हैं। ओके, यहाँ पे आता है डिटेक्ट फेस का। अगर आप फेस का सैंपल लेते हुए और फिर यहाँ पे अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये उसके ऊपर कम इफेक्ट देगा। ओके, लेकिन अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएंगे फेस पे। अगर मैं इसका रेंज कम कर दूँ तो अभी भी फेस रहेगा। ओके, तो ये जो लोकलाइज कलर क्लस्टर है इसको हम ऑफ ही रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में सिलेक्शन लेता है, आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, इसको हम हमेशा ऑफ ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके सामने ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे ये तीन होते हैं कलर पिकर टूल्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला है ये, आप कहीं भी क्लिक करेंगे ये सिर्फ सिंगल कलर ही पिक करेगा। अब अगर आपको और कलर ऐड करने, जैसे कि मैंने इसके यहाँ पे फोर हेड पे क्लिक कर दिया, मुझे और कलर चाहिए, तो मैं प्लस पे जाऊँगा, ये जो प्लस वाला इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर ये और कलर ऐड करता जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इसने एक तरह से ये पूरे का सिलेक्शन ले लिया। अब अगर आपसे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको माइनस करना है, तो ये एंड में आता है, आपको ये माइनस करता है। ओके, तो ये समय आप माइनस करता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट से ये प्लस हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं पिकल पे प्लस का साइन आ गया। मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ शिफ्ट को और ऑल्ट को प्रेस करता हूँ तो माइनस का साइन आ गया। ओके, शिफ्ट एंड ऑल्ट से यूज़ करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया। और अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है सिलेक्शन का। इस समय सिलेक्शन पर क्लिक है, और आप चाहो तो इमेज पर भी रख सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, और आप सिलेक्शन पर रखते हुए कहीं पर भी क्लिक करके उसका भी सिलेक्शन ले सकते हैं, उस कलर को पिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप यहीं पर क्लिक करें, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने आता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रीव्यू। आपको अपना सिलेक्शन कैसे देखना है उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलता है। अब जैसे आप यहाँ पे ग्रे स्केल पे क्लिक कर दोगे तो जैसा आपको यहाँ पे मिलता है वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन आ जाता है, वैसा ही प्रीव्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके, सारे चेंजेस देख सकते हो आप आराम से। फिर नेक्स्ट आपके सामने आता है ब्लैक मैट का, तो ये कुछ ऐसा कर देता है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके सामने आता है व्हाइट मैट, और नेक्स्ट आपके सामने आता है क्विक मास्क। तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको रखना हो, जैसा आपको प्रीव्यू रखना हो आप रख सकते हो, मैंने नन कर दिया है। ओके, अब हम इससे सिलेक्शन लेना सीखते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सैंपल कलर रखा है और इसके ऊपर क्लिक कर दिया और इसका फजीनेस थोड़ा बढ़ा दूँ और शिफ्ट के संग यहाँ पे भी क्लिक कर दूँ, फजीनेस कम किया मैंने और इसको ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं इसने पूरे का ही सिलेक्शन ले लिया है। ओके, अब नेक्स्ट काम आप क्या करोगे और क्या क्या कर सकते हो, आप फिर से आप जाओगे कलर रेंज में और सिर्फ बाहर का सिलेक्शन ले लोगे और उसको कर दोगे फिर इनवर्स, फजीनेस बढ़ा के देख लेंगे आप। ओके,
आप जैसा कि देख सकते हैं वैसे सब इमेज का सिलेक्शन लिया। अब हम किसी फेस का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसने थोड़ा और सिलेक्शन ले लिया, लेकिन मेन जो फेस को इसको लेना था सिलेक्शन उसका इसने ले लिया। स्किन टोन से रिलेटेड जितने भी शेड्स है वो सब इसने सिलेक्ट कर लिए। अब जो इसने ज्यादा ले लिया उसको हम कैसे हटाएंगे, उसके लिए लेंगे हम क्विक सिलेक्शन टूल और उसको माइनस कर देंगे। और के संग माइनस कर दूं तो जैसा कि आप देख रहे हो कितना अच्छा सिलेक्शन लिया इसने सिर्फ एक ही बार में, और हमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ा और ये पूरा सिलेक्शन हमारे सामने आ गया। अब हम दूसरी इमेज लेके देखते हैं उसके ऊपर ये कैसा वर्क करता है, इस पर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि इसमें सिर्फ स्क्रीन टोन ही है। तो हम जाएंगे सिलेक्ट में, कलर रेंज क्लिक करने की जरूरत नहीं है, फाइव हमने दिया हुआ है और इसको ओके कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्किन से रिलेटेड जितना भी अपना सिलेक्शन ले सकता था उसने ले लिया। अब नेक्स्ट इमेज हम लेते हैं। अब जैसे कि आपको इस इमेज के पीछे बैकग्राउंड हटाना है तो आप क्या करोगे, आपको कॉमन कलर फाइंड करना है कि आप किसको हटा के बाकी इमेज को बाहर निकाल सकते हो। तो इसमें कॉमन कलर है ये ब्राउन कलर, तो मैं जाऊंगा सिलेक्ट में कलर रेंज में, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सैंपल कलर पे और यहाँ पे के ऊपर क्लिक कर देंगे कि ये इसको सैंपल मान लेगा। प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको प्लस कर देगा तो चले जाएंगे। अब जितना भी हमने सिलेक्शन लिया उसको कर देंगे इनवर्ट्स और इसको ओके कर देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एक ही बार में आपका जो मेन इमेज था उसका सिलेक्शन ले लिया। क्विक सिलेक्शन टूल से ये अच्छा वर्क करता है अगर आप सही से यूज करें तो, कलर रेंज ऐसे ही वर्क करता है। तो ये थी आज की वीडियो कलर रेंज के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।